गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज का सुबह हो गया है, करीबन 10:30 बज चुका है। मैं तैयार हो गया, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस निकलने के लिए। गाइस एक बात दिल से बताऊँ गाइस, घर ना पूरा एकदम सूना सूना लग रहा है, लेखना नहीं है ना। मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं घर एकदम खाली खाली जैसा हो रहा है। सीरियसली अभी मैं और मम्मी सिर्फ अकेले बैठे, एकदम सूना सूना लग रहा है। हमने लेखना को कॉल किया वीडियो कॉल, बट देखो छोटी बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं चलता वीडियो कॉल वगैरह का। एंड और गाइस पता है, आज ना सलमान खान से मिले, उसके बारे में भी बताते हैं सल्लू भैया से कैसे। मुझे बस याद रहना चाहिए वो आपको बताने के लिए, मैं वो ऑफिस जा कर के बताता हूँ। और गैस स्कैमर के लिए, वो जो स्कैमर अगेन, उसके लिए मेरे लिए आज एक बद्दुआ है भाई, उसको और ढेरों सारा प्रॉब्लम हो। अब जिन लोगों को पता नहीं है क्यों मैं ये बद्दुआ वगैरह दे रहा हूँ, क्यों मैं उसके लिए बुरा सोच रहा हूँ, आप मेरी पुरानी स्कैमिंग वाली वीडियो देखो। मेरी मेहनत के पैसों को उसने स्कैम कर दिया, इसलिए आप लोग वैसे कमेंट करके बताओ। बाकी गैस नॉर्मल दिन चलते हैं और थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। देखो जो भी पैसे वगैरह लूट गया, बट अब थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्टे ट्यून्ड। ओके गैस मैं पहुँच गया अपने ऑफिस, जस्ट बाइक पार्क करा मैंने। मैं आपको ना कल रात की स्टोरी बताता हूँ यार, कितना लंबा चौड़ा चीज़ किया, क्या फन चीज़ हुआ एक्चुअली। हाँ तो क्या था पता, जो मीटिंग मुझे अटेंड करना था, जो मैंने बोला था कि 10 मिनट टाइम है मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो घर जाते आते तो टाइम हो गया, तो मैंने ऑन दी वे रास्ते में ईयरफोन डाल करके फिर उस मीटिंग को अटेंड किया। ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गया था, तो फिर वो भाई मैंने सोचा शॉर्ट में थोड़ा मीटिंग चलेगा। यहाँ देखो किसी ने लाइट ऑन ईयर छोड़ दिया, बंद ही नहीं, दो दो लाइट इस तरफ उस तरफ दोनों चल रहा। तो हाँ वो तो मीटिंग ना मैंने सोचा 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, बट वो हुआ ही नहीं, इनफैक्ट 1 घंटा चला गया। बट खुशी की, अच्छा ऑफिस भी लॉक्ड है यार, ये खोलना पड़ेगा की अंदर में। तो एक्चुअली देखो सीन क्या हुआ पता है, उस पूरे मीटिंग में बताया गया भाई मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो बेसिकली वहाँ पे जो ना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मुझे अपने लाइव स्ट्रीम्स करना होगा। और फिलहाल दे रहे हैं 15 डेज़ के लिए 40 आवर्स, यानी 15 डेज़ में मुझे 40 आवर्स का लाइव स्ट्रीम कम्प्लीट करना होगा, जिसमें मिनिमम पे आउट जा करके 8,000 रुपीज़ कुछ ऐसा दिया जाएगा। और इसके अलावा अलग इंसेंटिव वगैरह भी आएगा, तो कुछ पैसे कमा सकता हूँ वहाँ पर। तो उन्होंने बोला है कि अभी फ़िलहाल इस महीने जो है ना मई महीने, यहाँ पे 4-5 दिन बचा हुआ है, यहाँ पे अभी वो ट्राई कर ले, मतलब मुझे बोल रहे हैं कि ट्राई कर लो, आप चेक करो कैसा इंटरफेस है, कैसे कैसे चीज़ें करना होता है, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज फाइन 1 जून से जा करके इसका जो पेमेंट वाला, मतलब जो काउंट जो लाइव स्ट्रीम का होगा ना, वो वहाँ से स्टार्ट होगा काउंटिंग। तो मैंने बोला अच्छी बात है, और जो भी अर्निंग्स वगैरह होंगे उनका कुछ फीस रहता है 5-10%, वो फीस वो कट करके बाकी अर्निंग्स अमाउंट मुझे देंगे। और जो भी अर्निंग्स वहाँ पे होगा, इट्स नॉट लाइक कि 8,000 रुपीज़ होगा, इट डिपेंड्स और ज़्यादा कितना जो भी अर्निंग होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी समझ ही रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को, तो मुझे भी उतना डिटेल में पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ लोग जो है ना यहाँ पे 50,000, 60,000, 40,000 भी कमा रहे हैं बस लाइव स्ट्रीम करके। मैंने बोला चलो बढ़िया है प्लेटफॉर्म, चलो करके देखते हैं, ऐसे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है। जब से इस कमीने स्कैमर ने मुझसे लूट लिया है भाई, तब से मैं पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अब देखो जो भी प्लेटफॉर्म जो भी काम आएगा, अभी करना तो होगा राइट, अभी करेंगे तो कुछ टाइम वहाँ भी डालेंगे, 2-3 घंटे वहाँ पर डालते हैं हर दिन, एंड देखते हैं कैसा काम क्या करता है, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। बाकी है सलमान खान यानी सल्लू मियां भाई साहब के बारे में मैं बताता हूँ, तसल्ली रखो, मैं वीडियो के आगे बताता हूँ कैसे मिला मैं। ओके तब तक होल्ड ऑन, मुझे अंदर जाने दो। ओके बंद है, अंदर जाता हूँ, गर्मी तगड़ा हुआ है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर। और ऊपर से जो वेबसाइट क्या हुआ, वो मीटिंग जब मेरा करीबन 8 बजे स्टार्ट हुआ, करीबन 9:15 को ख़त्म हुआ, वो 9:30 हो गए थे, फिर डिनर विनर करके फिर करीबन 11 बजे के बाद मैं आपको बताया था उसमें बैठा उसको भाई, करते करते ना ढाई रात बज गए थे, फिर मैंने बंद करके सो गया और सुबह उठा और यहाँ शामिल, और फिर से अभी उस वेबसाइट पे काम करना है। तो वह तगड़ा काम बचा हुआ, 1-2 दिन में मुझे लगता है ये अब काम, ये वेबसाइट वाला कम्प्लीट ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगा कौन सा वेबसाइट, तो आपके भाई ने उस वेबसाइट को बनाया, देखना कैसा लगता है आपको। चलो मैं अंदर चलता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। और भाई साहब काम इतना हो रहा है ना, ये देखो भाई ये जियो वाला चीज़ है ना भाई, बस इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया और 1-2 बार हार्डली मैंने 10-15 मिनट उसको यूज़ किया, उसके बाद भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको यूज़ करने के लिए, पैसा लगा दिया मंगा लिया बट टाइम ही नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों को भी दे रहा हूँ अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए, और देखते हैं सबका फीडबैक कैसा आता है। मुझे तो भाई नॉर्मली लगा, उतना कुछ खास नहीं लगा। और बाकी गाइस आप लोगों की दुआ की वजह से देखो गाइस ये सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन नहीं एक्चुअली ब्रांड की तरफ से आते हैं प्रोडक्ट, तो वो सब चीज़ें भी है रिव्यूज़ वगैरह करने के लिए। बट यही है कि देखो इतना मेहनत चल रहा है, काम वगैरह हो रहा है, बट पैसे उस हिसाब से नहीं आ रहे जितना आना चाहिए। बट आई एम श्योर किसी न किसी दिन आएंगे यार पैसे, आप लोगों का साथ रहा ना
तो जैसे ही व्यूवरशिप बढ़ेगा तो अच्छे खासे पैसे भी आएंगे और मेरी लाइफ भी अच्छी से चेंज होगी। अभी फाइनेंशियल इतना लोचा है, स्कैम हो गया, यहाँ का रेंट पे करना है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं गैस बिहाइंड द सीन। तो देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ बात बताऊँ गैस, कल ना अपने मॉम डैड के अकाउंट्स वगैरह और मेरे कुछ अकाउंट्स वगैरह में IOB में गए, तो भाई वहाँ पे ना पिछले 4-5 साल से मेरे अकाउंट पे भाई हर 6 महीने में 50 रुपये काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। पापा के अकाउंट पे भी SMS का चार्जेस काट रहे हैं और अकाउंट नॉन ऑपरेटिव चार्जेस करके डाल रहे हैं, वो चल रहा है। और ऊपर सुबह मुझे अब मेरे IDFC अकाउंट में कुछ 99 रुपीज़ का चार्जेस आया, कुछ ईजी EMI कार्ड जिसको मैंने कभी लाइफ टाइम में यूज़ ही नहीं किया, उसके चार्जेस मतलब गजब है। आजकल के बैंक में ना मतलब जो चाहे ये लोग काट लेते हैं। और कैनरा बैंक में मैंने देखा वहाँ पे कुछ PM हुआ है, कुछ प्रधानमंत्री योजना, उस पर 20-20 रुपये काटा जा रहा है, मतलब बिना कस्टमर को बताए लोगों से पैसे काट रहे हैं। गजब का चीज़। आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ चल रहा है? देखो 3-4 अकाउंट में मुझे मैंने इशू दिख गया। आप लोग बताना यार आप लोगों के अकाउंट में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। बाकी मैं चलता हूँ, थोड़ा काम कंटिन्यू करता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। यहाँ बाहर में भी ना यहाँ पे पूरा देखो काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखो पूरा बिल्डिंग बन रहा है और भाई साहब देखो ये लोग धूप में काम कर रहे हैं यार। धूप में मुझे तो खड़ा भी नहीं होने का, बस धूप में। रियली ग्रेट यार आप लोगों को, बहुत ग्रेट इंसान ये लोग हैं, सबसे ग्रेट इंसान ये लोग हैं। इतने कठिनाई से काम करते हैं भाई, कितना टफ होता होगा इनको, सोचो काम करना इनको इस धूप में, ऊपर कड़कती धूप में काम करने में। एक गुड न्यूज़ है गाइस, जो वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था ना उसको हमने नए सर्वर पे लोड किया, जो मैं आपको बोल रहा था ना भाई हैंग हो जाता था, क्रैश हो रहा था, अब वो क्रैशिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, न्यू सर्वर पर माइग्रेट कर दिया। इसके जो भी रिसोर्सेज थे उसको डबल साइज़ कर दिया। अब ये सब देखो जो भी डेवलपर होंगे देख रहे हो ना उसको ही समझ में आएगा। तो मतलब जो चीज़ था ना मतलब सॉल्व हो गया कुछ हद तक प्रॉब्लम्स। अब वेबसाइट कुछ दिन में लाइव हो जाएगा, तो जब लाइव हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ में किसी एक व्लॉग में मैं शेयर कर दूंगा उस लिंक को, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। और बताता हूँ उस वेबसाइट के बारे में पूरी तरह से डिटेल जब वो पूरी तरह से लाइव हो जाएगा। ठीक है भाई, फाइनली वेबसाइट वाला काम ना ऑलमोस्ट समझ लो 99% काम खत्म हो गया, जो भी पेंडिंग था सब चीज़ कर लिया। अब मेरे तरफ से जो है ज़्यादा काम नहीं है, बस एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को थोड़ा कलरिंग डिज़ाइनिंग करना है, वो मैं कभी भी बैठ के कर दूंगा। एंड दिस वेबसाइट शुड बी रेडी, अब जब वो गो लाइव करेंगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ भाई सलमान खान वाला सीन तो क्या हुआ था। देखो आप अभी तक अगर बने हो वीडियो में तो सलमान खान के बारे में बताता हूँ। तो हुआ था क्या, मैं एक जगह पर गया था, वहाँ पर कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहा था, बहुत भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। आई थिंक कुछ इनाग्रेशन वगैरह का कुछ फंक्शन था, तो लोग वगैरह थे और मैं स्टेज की तरफ में था। तो व्हाट हैपन्स, आगे फंक्शन वगैरह चलते रहते हैं, आई एम हियर एंड फ़ोन लेकर के नॉर्मली मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था। अचानक से मैं देख रहा हूँ मेरे राइट हैंड साइड में बगल में भाई सलमान खान भाई आ गए। लिटरली बोल रहा हूँ सल्लू भैया, सलमान खान जो एक्टर जो बोलते हो उसको, ओके। तो वो बगल में खड़े थे, अब अचानक से सब लोग पब्लिक भी देखे तो मैंने भी देखा मेरे बगल में, तो मैंने बोला भाई ये क्या, ये तो गजब का हो गया। मैंने बोला चलो ठीक है अब आपके साथ में एक फ़ोटो प्लीज़ करके। और जब मैंने उनसे पूछा ना, मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ से पूछा, रिक्वेस्टिंग पूछे पूछा कि सर हाय कुछ पूछ सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ ऐसे करके। तो उन्होंने भाई धीमी आवाज़ में बोला हाँ ठीक है करके। तो भाई जैसे उन्होंने ये बोला ना, मैंने फ़ोन को ऐसे करके मतलब उसके सामने ऐसे रखा, उसके बाद में भाई मतलब फ़ोन बैक कैमरा ऑन था, वीडियो ऑन था, रिकॉर्डिंग बटन नहीं था, बट आई वांटेड टू टर्न दैट इनटू सेल्फी और उसको मैं फ़ोटो क्लिक करना चाहता था। बट भाई वो ना क्या बोलते हैं नर्वसनेस में वो हो ही नहीं रहा था, और सलमान भाई ऐसे देख रहे थे, मैं भी बगल में हूँ और मुझसे इतना नर्वस मैं हो रहा था, उसको मैं मतलब फ्रंट कैमरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था ना ही बटन, और एक्चुअली में जो ना समझ में नहीं आ रहा था फ़ोन पे स्क्रीन पे दबाना क्या है, क्या क्लिक करूँ जो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाए और क्या क्लिक करूँ कि वो फ़ोटो क्लिक हो जाए। तो इतना इस लेवल का नर्वस हो गया था। तो उन्होंने भी कुछ सेकंड देखा, जैसे 20-30 सेकंड होता है, ये सभी 20-30 सेकंड का था। फिर अचानक से उन्होंने भी देखा भाई कुछ कर ही नहीं रहा था, और मैं भाई नर्वस में चक्कर में कुछ नहीं हो रहा था, मेरा हाथ पैर पूरा हिल रहा था और एकदम सुन्न था दिमाग भाई, इतने बड़े स्टार को बगल में देख लिया। और तो फिर अचानक से उन्होंने क्या किया, हाँ मतलब एक लुक दिया है करके, और वो अपना ऑटोमेटिकली स्टेज की तरफ मतलब उधर जो जाना था उनको सामने उधर चले गए, और पूरे भीड़ भी उसके पीछे चले गए। और कुछ सेकंड्स के बाद में मेरा दिमाग खुलता है भाई ये तो इसको क्लिक करना है और ऐसे फ़ोटो क्लिक करना है। तब तक सल्लू भाई जा चुके थे, फिर मैं दौड़ते दौड़ते आगे गया, तब तक देख रहा हूँ सलमान भाई एक्चुअली जो है ना वहाँ पे गाड़ी में बैठे और वो उस लोकेशन से ही निकल गए। भाई मतलब ये सीन हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। फिर अचानक से क्या होता है पता है दोस्तों, मेरी आँख खुल जाती है।
तो एक्चुअल में देखो आज सुबह की बात है, ये सब पूरा ना मैं नींद में देख रहा था, और उस टाइम में करीबन 5 बज रहे थे लिटरली, जब मैं उठा था टाइम भी देखा था क्योंकि भाई 5 बज रहे थे। तो सोचो भाई एक्चुअली ये रियल में नहीं हुआ था बट सपने में मेरे साथ हुआ था। प्रॉबेबली ये चांसेस है कि मैं सलमान खान भाई साहब को ना बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, उनकी मूवीज़ वगैरह बहुत देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, तो शायद वो मेरे सपने में आ गए थे और इतने सारे फ्रस्ट्रेशन था चीज़ों में, तो भाई वो मतलब आ गए बस, आई डोंट नो अब कैसे आए। और इस चीज़ को गाइस देखो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम सपना देखते हैं ना भाई भूल जाते हैं, बट इस चीज़ को मैंने अभी बताने के लिए मैंने हर टाइम इसको रट रहा था, हाँ यही चीज़ हुआ, जैसे मैंने उठा मैंने बोला चलो हाँ सपने में तो इनसे मिला, बट शायद देखते हैं मरने से पहले फ्यूचर में कभी सल्लू भाई से मिल पाऊँ कि नहीं। बट भाई लिटरली जो जो चीज़ें मैंने बताया ना सच था, सिर्फ एक वो सपना था, बट जो भी मेरा एक्शन था, मैंने मेरा हाथ हिल रहा था, फ़ोन का कैमरा हिल रहा, मतलब क्लिक नहीं कर पा रहा था, नर्वस था, और भाई साहब को मैंने देखा ये एकदम बॉडी पोस्चर मेरे से भाई इतने हाइट के थे और ये पर्सनालिटी के थे, वो सब भाई लिटरली अभी तक मेरे आंखों के सामने याद है गैस। बट इस जस्ट कि सभी चीज़ सपने में चला, रियलिटी में नहीं चला, बट आप लोग गैस विश करो शायद फ्यूचर में भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, सल्लू भाई को कभी रियल में मिल जाए। बट हाँ यार ये एक्सपीरियंस था, आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ सपने वगैरह में, और क्या रियलिटी में आप नर्वस हुए शेक हुए किसी अपने फेवरेट बंदे को देख करके, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई मैं आज बहुत बकवास कर चुका, कॉल पे बात कर चुका, काम कर चुका, थक गया, थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आपसे शाम के रात में ही मिलूँगा। ओके गाइस वेल यार रात के ना 8:15 बज चुके हैं और मैं बस घर निकल रहा हूँ, थक गया यार बहुत, आज सिस्टम को घूरा घूरा बहुत सारा काम चला, आज चलते हैं रेस्ट करते हैं कल फिर अगेन। अब हाँ ये वेबसाइट वाला काम तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरे ख़त्म ही हो गया, अब कल से बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना होगा, और भी मुझे क्लाइंट्स चाहिए क्योंकि ज़्यादा और पैसे जनरेट करना है भाई। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, घर चलते हैं और देखते हैं, और आजकल ना लेखना भी घर पर नहीं है तो मम्मी भी अकेले ही रहती है, तो मैंने अब ना 9:30 बजे नहीं निकलूँगा, अब 8:00 ये टाइम निकाल लेता हूँ, 8:00 को या फिर 8:15 को निकल जाएंगे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास आ गया, कुछ खाने के लिए पिकअप कर लेता हूँ, मॉम को भी अच्छा लगता है मुझे भी खाने में अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते, हल्का सा क्वांटिटी ले लेते हैं। मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में रेडी होगा और निकलते हैं भाई, क्लाइमेट अच्छा है अभी। फाइनली डिनर विनर हो गया और करीबन 10:30 बज गया मैं, बट आपको एक चीज़ मैं दिखाऊँ व्लॉग बंद करने से पहले, देखो मेरा बेड में दिखाता, तो ये देखो आजकल लेखना नहीं है तो ये सब चीज़ें उसके खिलौने बस पड़े रहते हैं वहीं पर, और ये देखो ये मेरा बेड है, एक तकिया 2, 3, 4, 5 और 2 उधर है, और एक नीचे भी है तकिया पड़ा हुआ है। हमारे घर में तकिया ये सिर्फ मेरे रूम की है, पापा मम्मी के पास में फिर पापा के बेड पे भी 2-2 तकिए, मम्मी एक और बेड है उसके ऊपर ना करीबन 3-3 तकिए और पड़े, ऐसे और 2-2 तकिए पड़े हुए, तकियों का बारिश हो के है हमारे घर में। और इसके ऊपर ना जो लेखना रहती है ना इसके पे खेलती रहती है, उसको पूरा यहाँ रख देते हैं साइड में, और जब भी गिरती है तो भाई एकदम ऐसे एकदम, क्योंकि ये फ्लफ़ी वाले तकिए वगैरह तो ऐसे। और कैसे अभी अब कुछ करने का मन नहीं है, दिन भर बहुत थक हुआ, आज मैं सोच रहा हूँ ना बस मैं सोऊँगा, थोड़ा सुकून से नींद करता हूँ, और बाकी काम कल से भाई धुरंधर काम करना है, कसम से मैं डिसाइड कर रहा हूँ भाई अब ना अपने जितने भी चैनल है सब पे सुपर एक्टिव और धुरंधर वीडियो जाए, क्योंकि अब माइक वगैरह का चीज़ें मैंने सेट कर लिया, कुछ टेक्निकल चीज़ें ग्लिचेस थी जिसको मैंने सेट कर लिया, क्योंकि देखो क्या होता था ना जब माइक के ऊपर मैं करता था तो उसको माइक को फिर से ऑडियो को लेकर के फिर से एडिट करना होता है, फिर ये डालो, अब उसमें ना थोड़ा माइक वगैरह चीज़ें मैंने नया वगैरह लिया तो इसके वजह से थोड़ा चीज़ें वगैरह ठीक हुआ, तो लेट्स सी कुछ दिन वीडियोस में ना डायरेक्ट शॉर्ट्स में डालूंगा, देखते हैं क्या काम करता है। बाकी गाइस अब मैं जाता हूँ, रखता हूँ इसको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नहीं किया, तो मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हाँ वो सल्लू मियाँ यानी सलमान खान भाई हम एक बहुत बड़े फ़ैन हैं, शायद इसलिए सपने में आ गए थे, और भाई लिटरली वो ना पूरा गूज़बम वाला सीन था, जब मैं सोचता था ना पूरा गूज़बम आता था। बाकी गाइस कमेंट कर देना आपका फेवरेट स्टार कौन है, बाय।